कच्चा बादाम सॉन्ग पे वायरल हुई लड़की अंजलि अरोड़ा का MMS वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से इनका कोई भी बयान नहीं आया था, लेकिन दोस्तों अब इन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और इस पर इनका क्या कुछ कहना है चलिए सारी चीजें आपको डिटेल में बताते हैं। बट उससे पहले वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन फ्यूचर अपडेटेड रहने के लिए। देखिए दोस्तों, किसी को भी बदनाम करने से पहले उसकी सच्चाई जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इस वीडियो में आपको अंजलि अरोड़ा पूरी सच्चाई आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अंजलि अरोड़ा इससे पहले कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप शो में भी नजर आ चुकी है एंड लॉकअप शो में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते इनके फैमिली वालों को वो बर्दाश्त नहीं हुआ था। इनके फैमिली को लग रहा था कि इनके साथ जरूर कुछ न कुछ गलत हो रहा है, तू ये सब काम छोड़ दे। लेकिन दोस्तों ये सारा मामला शांत हो गया जिसके बाद से फिर से अंजलि अरोड़ा का जो MMS वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद इनके फैमिली वाले इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। सोशल मीडिया पे इतना बवाल मचने के बाद अंजलि अरोड़ा चुप रही, अपने काम को करती रही। लेकिन दोस्तों फाइनली उन्होंने एक इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्या कुछ कहा है चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों अंजलि अरोड़ा का कहना है कि मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे फेस का यूज करके किसी और वीडियो में एडिटिंग करके उसको वायरल किया जा रहा है और इतना ही नहीं मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके इस वीडियो को सेल भी किया जा रहा है लाखों में। और अंजलि अरोड़ा साफ साफ बोल रही है कि मैं ये सब चीजें सहन नहीं कर पाऊंगी, मतलब कि ये आत्महत्या कर सकती है। तो गाइज मेरा यही कहना है कि ऐसे किसी के वीडियो को गलत तरीके से वायरल नहीं करना चाहिए, दूसरे किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, उससे क्या मिलेगा आपको। चंद कुछ पैसों के लिए लोग इतना नीचे गिर जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं गाइज। वैसे इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है मुझे नीचे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।